नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमणि, लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे भाई 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 वीडियो का लाइक और दोस्तों में शेयर तो बनता ही है। और यह है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 32, मतलब 32वां सेट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होता है। और यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, मतलब हाई के बिल्कुल रेगुलर व्यूअर बनते हैं। और यह सीरीज आपके नॉलेज के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए और उसके टेस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और पीछे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे आपको आई बटन शो करेगा, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट का फाइल खुल जाएगा, उस पर आप जाके पूरा वीडियो देख लीजिए। और आपको बता दें कि एमिंग हाई के इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट आर अल्फा रेज, राइट इट्स प्रॉपर्टी, मतलब अल्फा रे क्या है, इसका गुण लिखें। तो मेरे भाई ये तो क्वेश्चन आ गया बहुत आसान ना, आसान इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। मैं आपको इसका लिखा हुआ आंसर भी देता हूं, आप आराम से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। देखिए, मैंने लास्ट सीरीज में ही आपको कहा था कि अल्फा रे जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, फिर सुनिए, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब नाभिक, हीलियम जो एटम है उसका नाभिक होता है। मतलब कि ये आप लोगों को पता होगा ना कि हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में, ठीक है, और बाहर दो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में। तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो जो हीलियम रहेगा वो HE+2 में बन जाएगा। तो ये जो HE+2 हुआ ना हीलियम का न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं अल्फा रे। और अगर आप बढ़िया से जानते हैं तो आपको पता होगा कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को ही कहते हैं अल्फा रे। अरे भाई मेरे, अरे दोस्त मेरे, अरे भाई बताइए हमको कि यहां से जब दो, एक अल्फा रे होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम का न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ही ना होता है, तो ये आपका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो गया। तो आप ऐसे बोलिए कि अल्फा रे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, या डायरेक्ट अच्छा से बोल दीजिए हीलियम का न्यूक्लियस है। हां 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 हां, एक चीज और आपको बोलना पड़ेगा कि अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है और इसके पास, अल्फा रे के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जीरो और पॉजिटिव मिलके, सॉरी प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, मैं ये कह रहा था कि न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और जीरो मिलके आपका चार्ज पॉजिटिव ही हो जाएगा, और प्लस टू चार्ज होता है अगर हम लोग नंबर के टर्म में बात करें तो प्लस टू। वैसे अगर नंबर की वैल्यू, चार्ज का वैल्यू पूछेगा तो एक के पास होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो दो के पास हो जाएगा 2 गुना, यहां से सॉल्व करके आप चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर में आप प्लस टू कह सकते हैं। चलते इसका आंसर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, और होगा तो बहुत ही आसान, आप लोगों को बताए हम पहले भी, और अगर आप एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं तब तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसके आंसर का, हमको पता है जितने भी रेगुलर व्यूअर उनको दिक्कत नहीं पड़ता है। देखिए आंसर में कहा जा रहा है अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियस दैट इज, इट कंसिस्ट टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, इट इज पॉजिटिव पार्टिकल, वही जो लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी में कह रहा है इट इज धनात्मक, इट इज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। दूसरा में कहा जा रहा है इट हैज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, हां हां हां, अल्फा रे का जो पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता होता है ना, वो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ना, सोचिए ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है तो ये बड़ा साइज हो गया ना, समझिए, एक प्रोटॉन होता है और यहां दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो गया, सीधा चार गुना आप समझ सकते हैं, चार गुना हो गया, तो इसलिए इसका भेदन क्षमता कम हो जाता है। ये आपको फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं यहां से कि ये जो होता है गुजारने के बाद इसका स्कैटरिंग होता है, ये भी जानते ना अल्फा रे में, कि अल्फा रे जब मेटल से गुजरता है, आप पढ़े होंगे सुने होंगे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या होता है, इसका स्कैटरिंग हो जाता है, ये चारों तरफ बिखर जाता है, फैल जाता है, आप ये कह सकते हैं। मतलब अल्फा रे का प्रकीर्णन होता है जब ये धातु के पत्थर से गुजरता है तब। तो यही सब प्रॉपर्टी भी है और अल्फा रे भी आपको पता चल गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से पहले आप सभी को पता है कि मैं हर दिन सही आंसर जवाब देने वाला, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब देने वाले बच्चे को नाम बताता हूं, जो हर दिन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आज का सवाल पूछता हूं और जो बच्चे सही जवाब देते हैं उनका सबसे पहले नाम बताता हूं। और एक बात और है कि मैं अपना वेबसाइट भी बना रहा हूं, अपना ब्लॉग भी बना रहा हूं, आप लोग को वेबसाइट ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे कोशिश करूंगा कि वहां पे पूछूं, अभी नहीं, फिलहाल
थोड़ा सा वेट कीजिए, उस पर और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज डालूंगा, स्टडी न्यूज डालूंगा, सब डालूंगा, देखिए कितने देर में कर पाता हूं, लेकिन आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा अगर मैंने बना दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का सही जवाब देने वाले थे लास्ट सीरीज में सहधनी, सौरभ कुमार और शिवम कुमार, इन तीनों ने सही जवाब दिया सबसे पहले, और टोटल जवाब दिया, सबसे बड़ी बात की टोटल जवाब दिया, टोटल का मतलब तीनों सीरीज का, सॉरी सीरीज का नाम भी लिखे और कौन विजुअल रीजन में पढ़ता है ये भी लिखे, इसलिए बोलते हैं कि टोटल जवाब देते तो बहुत बढ़िया होता, टोटल दीजिए ना, टोटल दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये आ गया आपके सामने आज का क्वेश्चन डे, मतलब आज का सवाल आपके सामने, जल्दी से वीडियो को रोककर क्वेश्चन डे को पढ़िए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि गेमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जरूर देखे होंगे, एक एक बच्चा देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको पता हो इसका आंसर जरूर बताइए। अगर इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप यूट्यूब पर एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए, एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए और एमिंग हाई चैनल सर्च करके जो सबसे पहले ऊपर आएगा उसमें चले जाइए होम वीडियो प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा फाइल बना हुआ ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट का, वहां से देख लीजिए, या कुछ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में इतना सिखाते हैं तो आपसे मात्र एक चीज मांगते हैं वीडियो का लाइक और शेयर, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड में, लाइक कर दीजिए अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अच्छा चीज है, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, अच्छी चीजें लोगों के पास लानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ वुड यू प्रूव दैट अल्फा रेज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आप कैसे सिद्ध करें कि अल्फा कितने धनात्मक अवैध से अभिष्ट है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया यार, कुछ नहीं हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या करेंगे, दो तीन तरीका है, एक तरीका मैं बता रहा हूं, एक तरीका और आपको बता दूंगा, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कि क्या करते हैं ना कि प्लेट, चार्ज प्लेट के बीच से, मान लीजिए आपका ये जो प्लेट है ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, आपका ये पॉजिटिव प्लेट है, आपको ये पॉजिटिव प्लेट है, और मान लीजिए ये आपका प्लेट आपका निगेटिव है, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पहले सुन लीजिए समझ लीजिए, आपको पता होगा ना कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इतना छोड़िए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फा किरणों को कैसे प्रूव कीजिएगा कि पॉजिटिव है, अब क्या कीजिए जब यहां से अल्फा रे जब निकाल गुजारिएगा तो ऑटोमेटिक आपका अल्फा रे जो होगा वो इस निगेटिव प्लेट के तरफ ऑटोमेटिक अपने आप निगेटिव तरफ के मुड़ जाएगा, तो आप ही सोचिए कि एक तो अगर आपको अल्फा रे पता नहीं क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव को नहीं पता है, लेकिन जब यहां से गुजरा तो ये निगेटिव प्लेट के तरफ मुड़ गया, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव चार्ज है, सोचिए ना, अट्रैक्शन हुआ निगेटिव की तरफ गया तो निगेटिव की तरफ कब जाएगा कोई चार्ज, जब पॉजिटिव रहेगा तब ना अट्रैक्ट करेगा आकर्षित करेगा, और वहीं बीटा रे होता है क्या कि पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि बीटा रे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन बीटा रे के बारे में नहीं पूछ रहे, इसलिए हम हटा देते हैं, तो सिंपल सा आंसर में यही लिखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, मतलब विद्युतीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इसी अल्फा रे को हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये उधर मुड़ता है जिधर पॉजिटिव चार्ज को मुड़ना चाहिए, तो इससे ही पता चल जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है। चलते हैं आंसर पे, आप आंसर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, अच्छा से रुक के सांस लेके बढ़िया से एकदम, देखिए आंसर में वही कहा जा रहा है कि अल्फा किरणें धन आवेश से आविष्ट है, इसे हम निम्नलिखित दो तरीके से प्रूव करेंगे, कौन कौन तरीका, पहला तरीका आप देख लीजिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल आर पास्ड थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है जनरेटेड फ्रॉम चार्ज प्लेट, मतलब चार्ज प्लेट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता सॉरी उत्पन्न होता है, उससे जब गुजरता है देन इट टर्न्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज है, हिंदी में वही कहा जा रहा है। दूसरा का भी देखिए आंसर आपको आ गया, दूसरा रीजन कि जब अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजारा जाता है तो अल्फा कण का विक्षेप हो जाता है, मतलब ये मुड़ जाता है, और इसके विक्षेपण के दिशा से पता चलता है कि अल्फा कण धनात्मक है पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र से जब कोई चार्ज चलता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों के दोनों मुड़ जाता है, लेकिन अल्फा रे उस दिशा में मुड़ता है जिधर आपको पॉजिटिव चार्ज मुड़ना चाहिए, यानी कि अल्फा रे आपका पॉजिटिव है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे यहां पे थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा चला गया ऊपर, और देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है हां ये कहा जा रहा है हाउ डज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम चेंजेस विद अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें अच्छा ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखिए मैं मजेदार कैसे है, इसके पीछे तो पहली बात की बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। कह रहा है ना कि जब अल्फा बीटा और गामा रे निकलता है, आप सुनोगे ना न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में कि अल्फा रे निकलता है बीटा रे निकलता है गामा रे निकलता है, तो परमाणु संख्या जो एटम का होता है मतलब एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर ये कैसे चेंज करता है, तो चेंज करता है वो सुनिए, देखिए कैसे चेंज करता है, जब अल्फा रे निकलेगा ना तो परमाणु संख्या 2 से चेंज कर जाएगा, अब मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या 4 से कम जाता है, चेंज कर क्या
क्या करेगा, कमेगा। अल्फा रे जब निकलेगा एक अल्फा रे, तो परमाणु संख्या दो से कमेगा और द्रव्यमान संख्या चार से कमेगा। जैसे आप ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आपका कोई एटम है जिसका सिंबल एक्स हमको नहीं पता कि क्या है, और मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मास नंबर मान लीजिए 42 है। बस मैं बस ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूं एग्जांपल। और इससे जब अल्फा रे निकलेगा ना, तो इसका जो एटॉमिक नंबर 20 था वो 20 नहीं रहेगा बल्कि 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। और जो मास नंबर था वो जो 42 था, ये 42 नहीं रहेगा बल्कि 4 कमेगा ना। देखिए एटॉमिक नंबर में 2 कमा और मास नंबर में 4 कम था, तो 4 कम था तो 42 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपको? 42 में 4 38 कितना? 38 बचेगा। तो ये इस तरीका से, तो आपका ये पहला आंसर हो गया कि जब अल्फा रे निकलेगा तो क्या होगा, तो एक अल्फा रे निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 से और मास नंबर 4 से कमेगा। वही अगर बीटा रे निकलेगा ना, बीटा रे, तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो पूरा बढ़िया से क्लीन बताऊंगा और आप लोग पूरी जिंदगी में इसको भूलने वाले नहीं है। लेकिन अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और अगर मैंने बना दिया है वीडियो, ये बाद में देख रहे हैं, तो यहां राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक आई बटन शो करेगा, उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने नहीं बनाया, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो इसका वीडियो मैंने बना दिया, तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर शो कर रहा है तो मतलब मैं लगा दिया हूं। तो आप बीटा रे जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई असर नहीं पड़ता है। और गामा रे तो एनर्जी है, गामा रे तो लाइट है, गामा रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप बोल सकते हैं। तो गामा रे जब निकलता है तो उससे न एटॉमिक नंबर में कमी आता है न मास नंबर में, नहीं समझे? मैं कह रहा था कि जब अल्फा रे निकलेगा ना, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम जाएगा परमाणु संख्या, अब मास नंबर 4 से कमेगा। जब बीटा रे निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर उतना के उतना ही रहेगा। और जब गामा रे निकलेगा, गामा रे आपका निकलेगा, तो उस समय बीटा रे में मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और गामा रे निकलेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चल लेते हैं आंसर पे, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। और आंसर आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, आपको पूरा पता जाएगा। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है व्हेन वन अल्फा पार्टिकल लिमिट्स फ्रॉम इतना 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 देना एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय 2 मास नंबर डिवाइडेड बाय 4। और इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, यहां एक एटम एक्स दीजिएगा न्यूक्लियस, और यहां दीजिएगा एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर दीजिएगा ए, एटॉमिक नंबर जेड मास नंबर ए, और यहां से अल्फा रे यहां दिखाइएगा अल्फा रे, और जब अल्फा रे निकलेगा तो यहां जो बनेगा उसका एटॉमिक नंबर जेड नहीं रहेगा बल्कि हो जाएगा जेड माइनस 2, अब मास नंबर ए नहीं रहेगा बल्कि ए माइनस 4 रहेगा। और ऑब्वियस सी बात, जब एटॉमिक नंबर कम गया तो एटम एक्स भी नहीं रहेगा, न्यूक्लियस बाई बन जाएगा कुछ बाई, और यहां पे अल्फा, या तो अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए या हीलियम लिख दीजिए, क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं अल्फा, ना तो आप हीलियम भी लिख सकते हैं। इतना लिखना पड़ेगा अगर बढ़िया से नंबर चाहते हैं खूब जबरदस्त कि नहीं मेरा एक भी नंबर नहीं कटे, तो लिख के ये लिख दीजिएगा इक्वेशन। बीटा का भी देख लीजिए, बीटा में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है। जो देखिए बीटा रे में भी वही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि वेन वन बीटा पार्टिकल लिमिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस देन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा, बट मास नंबर रिमेंस कांस्टेंट, मास नंबर में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरीका से लिख के, और आपको इस तरीका से इक्वेशन लिख देना जो मैं आपको बताता हूं। मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोई न्यूक्लियस है जिसका आपका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, और जब इससे बीटा रे निकलेगा ना, तो आपको मैंने अभी बताया कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा मतलब जेड प्लस 1 हो जाएगा, मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपका न्यूक्लियस ही बदल जाएगा ना, 1 से बाई नहीं बन जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर पहले था जेड, हो गया जेड प्लस 1, तो एटॉमिक नंबर जब चेंज कर जाएगा तो आपको पता होगा कि एटम न्यूक्लियस सब चेंज कर जाता है, अलग अलग एटॉमिक नंबर का अलग अलग होता है। प्लस यहां बीटा दिखा सकते हैं, या तो बीटा दिखा दीजिए, तो बीटा वगैरह का जो जो प्रॉपर्टी होता है वो आप सीधा यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि बीटा का जो चार्ज होता है वो माइनस 1, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, मास अप्रोक्सीमेटली में आप यहां 0 लिख सकते हैं। और साथ साथ में एक चीज और लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा ना, इस क्रिया में एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रिएट होता है ये ऐसे करके, जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, आप सुने होंगे नाम एंटी न्यूट्रिनो, नहीं जानते तो थोड़ा सा मन में पचा लीजिए, जान लीजिए ऐसा क्यों होता है, इस बाद में बताएंगे, बस इतना आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको भी साफ करते हैं। चलते हैं नीचे, और नीचे चल के हम लोग देख लेते हैं गामा रे के बारे में, और आपको पता है कि गामा रे के कारण ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग आ जाएगा ना मास नंबर में, क्योंकि गामा रे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एनर्जी, आप ये कह सकते हैं एनर्जी है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 4 नंबर में कहा जा रहा है व्हेन द रेज इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। अच्छा, व्हेन सच एन आउटकम, अच्छा, ऐसा निष्कर्ष क्यों? मतलब कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह पता चलता है कि यह 3 अवयवों से बना है। ऐसा क्यों? मतलब 3 तरीके से, आपको पता है ना कि न्यूक्लियस से जो रेडियो एक्टिव रेज निकलता है तो यह 3 अवयव, इसका मतलब 3 कंपोनेंट होता है, अल्फा बीटा और गामा, तो कैसे पता चलता है कि यह 3 कंपोनेंट से बना है? आप लोग जानते होंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि जो रे निकालता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो एक जो होता है वो एक तरफ मुड़
जाता है, दूसरा पार्ट दूसरा तरफ मुड़ जाता है और एक बिल्कुल सीधे पार कर जाता है। तो जो सीधे पार करता पता चलता है कि जो सीधे पार कर गया उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात आप समझिए कि इधर मान लीजिए आपका निगेटिव प्लेट है, इधर मान लीजिए आपका निगेटिव प्लेट है और इधर मान लीजिए आपका क्या है पॉजिटिव प्लेट है, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट है। ये कह रहे हैं हम आपसे, ये कह रहे हैं कि इधर आपको निगेटिव प्लेट है, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। तो आपका ये जो इधर निगेटिव वाला प्लेट है, ठीक है, तो इधर जो निगेटिव प्लेट वाला इधर मुड़ गया, निगेटिव प्लेट तरफ एक रे मुड़ गया, यानी ऑब्वियस बात ये कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव तरफ मुड़ गया वो कैसा चार्ज होगा निगेटिव चार्ज होगा, और जो नहीं मुड़ा वो बिल्कुल सीधा पार कर गया। तो आप लोग यहां से आराम से साफ बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो तीन भाग में इसलिए पता चलता है कि जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो वो तीन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से बट जाता है, इससे पता चलता है। देख लीजिए आंसर भी वही कह रहा है, व्हेन द रेज इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है देन इट इज फाउंड दैट इट इज मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट। अच्छा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहा था ना, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अब थ्री कंपोनेंट, ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए द रे इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकालने वाला रे डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, तीन तीन दिशा में बट जाता है। नेम ऑफ दीज रेज आर अल्फा बीटा एंड गामा, आफ्टर पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड से निकलता है अल्फा रेज टर्न्स वन साइड, बीटा रे टर्न्स अदर साइड, बट गामा रेज क्रॉसेस स्ट्रेट, मतलब अल्फा एक तरफ मुड़ जाता है बीटा एक तरफ, गामा सीधा पार कर जाता है। इससे पता चलता है कि यह तीन भाग में बटता है और कहा जा रहा है कि अल्फा रे एंड बीटा रे आर पॉजिटिव, ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा और बीटा पॉजिटिव होता है इसलिए एक तरफ मुड़ जाता है दूसरा दूसरा तरफ मुड़ जाता है, बट गामा रे होता है न्यूट्रल इसलिए सीधा पार कर जाता है। हिंदी में देख लीजिए ना आपको समझ में आ जाएगा, आप अगर इंडियन है तो इंडिया के लोग को तो समझ में आता ही है, ये नहीं समझ में आएगा तो और क्या आएगा। देखिए यहां पे आपको हिंदी में लिखा हुआ, वीडियो को रोक के जल्दी से पढ़ लीजिए, चलते हैं आगे नीचे नीचे अगले क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन पे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया ये, उसका तो आंसर भी लगता है लिखा हुआ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आप कर लीजिएगा। कह रहा डज एक्सरे एंड गामा रे ओरिजिनेटिंग इन सेम वे, मतलब क्या एक्सरे और गामा रे का उत्पत्ति एक ही तरह से होता है? नहीं 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 मेरे दोस्त, एक्सरे और गामा रे का उत्पत्ति एक तरीका से नहीं होता, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। देखिए वजह मैं बताता हूं कैसे आपको उत्पन्न होता, सुनिए होता क्या है ना कि जब मान लीजिए कोई आपका मेटल या कुछ मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, ये कोई टारगेट है, इस पे क्या होता है कि काफी हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो टकराता है टारगेट से टकराएगा, तो टारगेट से टकराएगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा इस मेटल को दे देगा, इस टारगेट को दे देगा, और ये टारगेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब हायर ऑर्बिट में चला जाएगा ये टारगेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, तो जस्ट इसके ऊपर एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इस लोअर एनर्जी वाले में आएगा इसको फुलफिल करने के लिए, और जैसे ही फुलफिल करने के लिए आता है तो उसमें एक्सरे निकलता है, लेकिन जो आपका ये निकलता है गामा किरण, वो गामा किरण निकालने का वजह अलग है कि आपका जो मान लीजिए कोई वही टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलाता है ऊपर में जाएगा और ऊपर में जाएगा, और जब ऊपर से नीचे जब डी एक्साइट करेगा तो उसमें गामा रे निकलता है, जब ऊपर से नीचे डी एक्साइट करता है तो गामा रे निकलता है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए आता ना उसके जगह को वहां से निकलता है एक्सरे। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा कि क्यों, ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो आप थोड़ा सा समय का था कमी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया हूं इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान डॉक्टर के चक्कर में पड़ता है तो कितना दौड़ना पड़ता है, इसलिए हेल्थ भी बहुत जरूरी है, आप लोग भी अपना हेल्थ संभाल कर रखिए, हम हेल्दी रहेंगे तभी आप लोगों को पढ़ा पाएंगे सिखा पाएंगे समझा पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अगर कोई सुझाव है तो जल्दी से सुझाव बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाते जाते यही कहेंगे खूब हार्डवर्क कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और जिंदगी में बहुत आगे जाइए।